भाजपा नेता गोविंद चाहर के नेतृत्व में सेवला ग्वालियर रोड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। गोविंद चाहर ने कहा कि संसद के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक और नफरत फैलाने वाला बोला, जिससे हिंदुओं का अपमान हुआ है। कभी राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं तो कभी हिंसक। भाजपा नेता गोविंद चाहर के नेतृत्व में सेवला ग्वालियर रोड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मंगलवार दोपहर 2 बजे पुतला फूंका गया। गोविंद चाहर ने कहा कि संसद के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक और नफरत फैलाने वाला बोला है, जिससे हिंदुओं का अपमान हुआ है। कभी राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं तो कभी हिंसक। हिंदुओं के खिलाफ राहुल गांधी की अमर्यादित भाषा का हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद सत्र में जिस तरह से हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं उसी तरह से उसी संसद में हिंदुओं से माफी मांगे। अन्यथा की स्थिति में जब भी राहुल गांधी आगरा आएंगे उन्हें हम किसी भी कीमत पर आगरा नहीं आने देंगे। हम उनका विरोध करेंगे और राहुल गांधी को बताएंगे कि वे किस धर्म और जाति के। राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाकर भाजपाइयों ने विरोध किया। राहुल गांधी कल संसद में बोलते हैं और अपने भाषण के दौरान हर बार उन्होंने बार बार मुद्दों हिंदुओं के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया और हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। वो कभी हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। वो किस मानसिकता के हम उनसे पूछना चाहते हैं? क्या वो अपना धर्म बताएं कि किस धर्म की पैदाइश है? वो इस तरह से हिंदुओं का अपमान संसद के अंदर करेंगे, लोकतंत्र का सबसे उच्च सदन उसके अंदर करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर करेंगे, हम लोग बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। हम जय जय पुतला जलाएंगे और उनको हम कभी भी इस तरीके से विरोध करेंगे। वो हिंदू धर्म के खिलाफ चलेंगे, उनको आगरा के अंदर हम कभी नहीं घुसने देंगे। उनका हर बार विरोध करेंगे और हम मांग करते हैं, आज अपनी मांग करते हैं कि वो हिंदू धर्म से हिंदुत्व के हमने हमारे जो लोग हैं जिनके खिलाफ उन्होंने गलत बोला है उनसे माफी मांगे वो और कहें कि मुझसे मैंने जो भाषा बोली है गलत बोली है, नहीं तो हम बिल्कुल भी इसका हर तरह से विरोध करेंगे और वो अपनी जाति बताएं। इस मौके पर गोविंद चाहर, बेनी सिंह कर्ण, सुनील बघेल, नवल किशोर, राधेश्याम फौजी, गोपाल बघेल, महाराजा सिंह कुशवाहा आदि लोग थे। न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।